हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के, जहां से कि आपके सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो ये आपका जो टॉपिक है, जहां से कि हम आपको बात कर रहे हैं कि एक दो क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से ज़रूर पूछा जाएगा अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले टाइम में है तो इस टॉपिक का नाम क्या है? तो बैंकों का मर्जर जो हुआ है। कल ही आपके जो वित्त मंत्री हैं हमारी अभी निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बहुत सारे बैंकों को मर्ज कर दिया गया है, यानी कि बहुत सारे बैंकों का विलय हो गया है दूसरे बैंकों में। तो ये जो आपके टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये जो है बहुत ही बड़ा फैसला है हमारे इंडिया के लिए जो निर्मला सीतारमण ने लिया है। इससे क्या होगा कि आपके जो बैंक के काम में देरी होती थी उसमें आपको थोड़ा सा फास्ट से आपको काम हो सकेगा। तो ये सारे यहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगी, देश की आर्थिक वृद्धि दर भी तेज़ी हो जाएगी यहाँ से। तो आइए देखते हैं कि कौन से बैंकों का विलय कौन से बैंक में हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस तरीके का आपको बटन मिलेगा, आप वहाँ पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करिए, ताकि हम जो भी वीडियोज़ अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय किस बैंक में हुआ? कह रहा है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यानी जिसे हम कह सकते हैं ओबीसी। ओ का मतलब आपका हो गया ओरिएंटल, बी का मतलब बैंक और सी का मतलब कॉमर्स। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय किस बैंक में हुआ है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय आपका किस बैंक में हुआ है। तो पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए, जिसे हम कह सकते हैं पीएनबी। इसे याद आप कैसे याद रख सकते हो कि ओबीसी का जो है आपका ओबीसी का जो है विलय किस चीज़ में हुआ? तो पीएनबी में हुआ। तो ये आपका इस तरीके से आप ट्रिक वाइज भी याद रख सकते हो कि ओबीसी का विलय पीएनबी में हुआ, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय किस बैंक में हुआ? तो पंजाब नेशनल बैंक में हुआ। तो अब जो भी आपके कुछ दिनों के बाद ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का जो नाम है वो ख़त्म हो जाएगा, अब इसे पीएनबी के नाम से जाना जाएगा। तो जिनके भी यहाँ पे आपके जिन लोगों के भी अकाउंट थे ओबीसी में, उनका अब सारा काम पीएनबी से होगा। तो यही आपका विलय के बाद हुआ है। फिर नेक्स्ट बात करें तो सिंडिकेट बैंक का विलय किस बैंक में हुआ? आपका एक बैंक था सिंडिकेट बैंक, पूछ रहा है उसका विलय किस बैंक में हुआ है? तो सिंडिकेट बैंक का विलय जो है केनरा बैंक में हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी, सिंडिकेट बैंक का विलय आपका केनरा बैंक में हुआ है। ठीक उसी तरीके से कॉर्पोरेशन बैंक, पूछ रहा है कॉर्पोरेशन बैंक का विलय किस बैंक में हुआ? तो कॉर्पोरेशन बैंक की अगर बात करते हैं तो कॉर्पोरेशन बैंक की जो विलय है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुई है, यानी ऑप्शन नंबर सी। आपको ध्यान रखना है दो तरीके की बैंक होती है, एक आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, एक आपका होता है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आपका दो बैंक होता है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इस ये जो है आपका सरकारी बैंक है अभी भी है, और ये जो है इसमें कॉर्पोरेशन बैंक का विलय हुआ है, बट यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका विलय हो गया है। तो आपको इन दोनों नाम में कंफ्यूज नहीं करने हैं। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपका कॉर्पोरेशन बैंक का विलय हुआ है। ठीक उसी तरीके से आंध्र बैंक का विलय किस बैंक में हुआ? तो आंध्र बैंक का विलय भी जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ही हुआ है, यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दो बैंकों का विलय हुआ, एक आंध्र बैंक और दूसरा कॉर्पोरेशन बैंक। तो आपका हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक उसी तरीके से इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में हुआ? तो इलाहाबाद बैंक का जो है विलय कर दिया गया है, तो इसका विलय हुआ है आपका इंडियन बैंक में, यानी ऑप्शन नंबर डी। दोनों आपका आई से शुरू होता है, इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक। तो इलाहाबाद बैंक का विलय कर दिया गया है, अब इसे इंडियन बैंक बना दिया, इंडियन बैंक में इसका सारा काम होगा। फिर है आपका यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में हुआ? तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो विलय है वो आपका किस बैंक में हुआ है? तो पीएनबी में हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में। ठीक उसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि विलय के बाद पंजाब नेशनल बैंक किस नंबर का बड़ा सरकारी बैंक होगा? कह रहे हैं जब बैंकों का विलय हुआ है तो आपको पता चला यहाँ से कि बहुत सारे बैंक पंजाब नेशनल बैंक में गए, बहुत सारे केनरा बैंक में चले गए, बहुत सारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में चले गए, बहुत सारे इंडियन बैंक में चले गए। तो पूछ रहा है कि विलय के बाद पंजाब नेशनल बैंक में बहुत सारे बैंक जाने के बाद, यह
पूरे भारत का किस नंबर का बड़ा सरकारी बैंक होगा, तो ये आपका दूसरा नंबर का बड़ा सरकारी बैंक होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं केनरा बैंक के बारे में, तो ये आपका चौथा में आता है, आपका केनरा बैंक का नाम ये आपका चौथे नंबर का बड़ा सरकारी बैंक हो जाएगा। फिर अगर बात करें तो पांचवा आपका हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और सातवें नंबर पे आपका आ गया है इंडियन बैंक। नेक्स्ट है हमारा उसी तरीके से वर्तमान में कितने सरकारी बैंक हैं, तो वर्तमान में आपके कुल सरकारी बैंक कितने हैं, तो 12 हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। और ये कौन कौन से हैं, तो हमने चार बैंक तो आपको बता दिया, पंजाब नेशनल बैंक हो गए, केनरा बैंक हो गए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक। इसके अलावा जो आपके बैंक आपके हैं सरकारी बैंक, वो कौन कौन से बैंक होंगे ये आपको यहाँ पे है, तो इन बैंकों के अलावा जो है आपका पांचवा आपका हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आपका SBI भी जो है सरकारी बैंक ही रह गया, तो आपका पांचवा नंबर पे ये हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा। फिर इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे आपके 12 सरकारी बैंक हो गए। तो बस आपके 12 सरकारी बैंक बचे हैं। इसके पहले जो हुआ था SBI में बहुत सारे बैंक का विलय हो चुका था, इस कारण आपके अब 12 बैंक बचे। सबसे पहले आपके 2017 में 27 सरकारी बैंक थे, उसके बाद फिर SBI में 5 बैंकों का विलय हो गया, तो उस तरीके से आपके 5 बैंक वहां से हट गए। फिर आपके जो कल बैंकों का विलय हुआ उसके बाद कुल 12 बैंक हमारे पास सरकारी बचे हैं, उन सभी के नाम हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, केनरा बैंक की अब पूरे देश में कितनी शाखाएं होंगी। आपसे पूछ रहा है कि केनरा बैंक जो है उसकी अब पूरे देश में कितनी शाखाएं होंगी। जैसे ही हमारा ये विलय हुआ तो अब केनरा बैंक की पूरे देश में कितनी शाखा हो गई, तो 324 यहाँ पे केनरा बैंक की कितनी शाखा हो जाएगी यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे 10324 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है केनरा बैंक की कुल कितनी शाखाएं हो गई, तो 10324 शाखाएं अब केनरा बैंक की हुई है। इसके साथ साथ केनरा बैंक का जो कारोबार है वो 15.20 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम बात कर लेते हैं, तो पंजाब नेशनल बैंक के पूरे देश में कितनी शाखाएं हो जाएंगी, तो 11,437 शाखाएँ हो जाएंगी, और इसका कारोबार जो है 17.95 लाख करोड़ का होगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का आपका 9,609 शाखाएँ होंगी और इसका कारोबार 14.59 लाख का होगा। उसी तरीके से इंडियन बैंक का जो है दक्षिण उत्तर और पूर्वी हिस्सों में ब्रांच होगा और इसकी जो कारोबार होगी वो 8.08 लाख रुपए की हो जाएगी। तो ये सारे यहाँ पे आपको हो गए। फिर देश का चौथा बड़ा सरकारी बैंक कौन होगा, तो देश का जो चौथा बड़ा सरकारी बैंक है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये हमने आपको ऊपर ही बताया कि चौथे नंबर पे आपका केनरा बैंक है यानी ऑप्शन नंबर बी, दूसरे नंबर पे पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपका पांचवें नंबर पे, और सातवें नंबर पे इंडियन बैंक हो जाएगा। तो यहाँ पे इतने सारे हो गए कि चौथा कौन सा होगा, दूसरा हमने यहाँ पे सारे चीज़ों को देख लिया, तो ये सारे आपको बैंकों का विलय के साथ हुआ। फिर अगर हम बात करते हैं SBI की, SBI में कौन कौन से बैंकों का विलय पहले हो चुका है, तो SBI में देना बैंक, विजया बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सारे बैंकों का विलय हुआ था। तो ये सारे यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन कौन से बैंकों का विलय हुआ, उससे आपको क्या फ़ायदा हुए, ये सारी चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिले। और ये बिल्कुल आपके करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, आपके जो भी आपके एग्ज़ाम हो, आपके RRB का एग्ज़ाम हो, SSC का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण है, इन्होंने ही ये 12 सरकारी बैंक बनाया, ताकि इस कदम से क्या होगा कि बैंकों की जो बैलेंस शीट होगी और बैंकों का जो आपको काम बहुत स्लो होता था वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फ़ायदा होने वाली है, आपको लोन लेने में भी आसानी होगी, यहाँ से अब आपको ज़्यादा लोन भी मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको ये सारे फ़ायदा होंगे, और ये सारे जो है ग्राहकों के हित में फैसला लिया गया है। आपको कुछ टाइम में आपको सारे जो है आपको IFSC कोड भी बदल दिए जाएंगे, जिन लोगों का बाकी जो विलय हुए हैं उन बैंकों में है अगर अकाउंट, तो उन्हें भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका भी जल्दी से ही काम कर दिया जाएगा, 3 से 6 माह में सारे प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा। तो आप सभी को इसके लिए भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें लाइक कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ऐसे ही और भी करेंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।